वेलकम बैक टू माय चैनल पीएलएस अपडेट्स। और आज हम मेडिटेरेनियन सी पे डिस्कशन करेंगे। मेडिटेरेनियन सी पे 21 कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इसमें काफ़ी सारी सीज हैं, विंड्स भी ब्लो करती हैं इधर से, कुछ इधर से जाती हैं, प्लस रिवर्स भी हैं। तो इसमें कुल मिला के 50 से ज़्यादा फीचर्स हो जाते हैं जो याद करने काफ़ी टफ हैं। और हर साल इसमें एग्ज़ाम में इस पर एक क्वेश्चन पक्का आता है, लेकिन आज हम इसे ट्रिक से करेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। और कंट्रीज़ की ट्रिक तो बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। ये पूरा रीजन, मेडिटेरेनियन रीजन, सिट्रस फ्रूट के लिए फेमस है। सिट्रस फ्रूट्स यहाँ इसलिए होते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स को 9 to 12 फ्रोस्ट फ्री मंथ चाहिए और एबंडेंट सनशाइन, और यहाँ समर ड्राई है और विंटर में रेनफॉल होता है। इसकी वजह से सनशाइन भी पूरी मिलती है प्लस फ्रोस्ट भी नहीं होता, तो 9 to 12 फ्रोस्ट फ्री मंथ में मिल जाते हैं, इसलिए ये रीजन सिट्रस फ्रूट के लिए फेमस है। सेकेंड, ये रीजन यहाँ ओलिव्स और फिग्स के लिए फेमस है, बिकॉज दीज ट्रीज नीड रेनफॉल इन कोल्ड सीजन, और यहाँ विंटर में रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। सेकेंड, थर्ड पॉइंट, ये रीजन है इसका वेस्ट अफ्रीका का जो कोस्ट है, ये कॉर्क ओक के प्रोडक्शन के लिए फेमस है, और ये रीजन विटीकल्चर या ग्रेप्स और वाइन मेकिंग, सो दीज आर द लीडिंग वाइन प्रोड्यूसर्स। तो वाइन यहाँ बनती है और बोटल के ढक्कन यहाँ बन जाते हैं कॉर्क से, सब कुछ यहाँ का यहीं हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं कंट्रीज। इसके नॉर्दर्न कोस्ट पे 11 कंट्रीज हैं, सदर्न कोस्ट पे 5 कंट्रीज हैं, 16 ईस्टर्न कोस्ट पे, 11 टाइम कोस्ट पे 3 कंट्री हैं, 19 दो आइलैंड कंट्री हैं, तो 21 कंट्रीज हैं। और नॉर्दर्न कोस्ट की ट्रिक है टैग ए मोबाइल सिविल सर्विस IFS। आपको पता है इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स का एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र होता रहता है, तो इस पर एक टैग लग गया इस सर्विस पे, टैग ए मोबाइल सिविल सर्विस IFS। अब मैं कंट्रीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला ये ईस्ट टू वेस्ट है, सबसे पहला टर्की, सेकंड ग्रीस जिसकी मेडिटेरेनियन सी पे सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, फिर ए अल्बेनिया एड्रियाटिक सी का पहला कंट्री, फिर मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो को आप स्पेशली याद रखना क्योंकि ये मोस्ट रेनियस पार्ट ऑफ द यूरोप है, ये वेस्टर्ली विंड की इन्फ्लुएंस में आता है, तो विंड्स इधर से जाती हैं और यहाँ माउंटेन्स पैरेलल हैं कोस्ट के, तो वेस्टर्न घाट वाला सीन हो जाता है इंडिया वाला, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, वेटेस्ट प्लेस ऑफ यूरोप। फिर बोसनिया और हर्जेगोविना, फिर क्रोएशिया नोन फॉर बिगेस्ट ट्रफल्स, एंड एन एस स्लोवेनिया, उसके बाद इटली आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इटली आ गया, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद स्पेन, और फ्रांस के अंदर ही तीन साइड से सराउंडेड है मोनेको, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो दीज आर द 11 कंट्रीज, और ये मोनेको है, इसकी वर्ल्ड में सबसे शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन है, कनाडा की सबसे बड़ी है, इसकी कोस्ट लाइन सबसे शॉर्टेस्ट है वर्ल्ड में। तो ये होगी आपके नॉर्दर्न कोस्ट की कंट्रीज। अब आ जाइए सदर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। सदर्न कोस्ट की ट्रिक है कि जब ये IFS इतनी बढ़िया सर्विस है तो तू मत ले ILS, सपोज करो इंडिया की कोई सर्विस है, ओके मत ले। M स्टैंड फॉर मोरक्को, A स्टैंड फॉर अल्जीरिया, T फॉर ट्यूनिशिया, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट, तो ये हो गया आपका सदर्न कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट या ILS आपने एक सर्विस मानी थी, तो ILS, I स्टैंड फॉर इजराइल, लेबनन एंड सीरिया। और इंडिया की लेडी श्री राम कॉलेज की स्टूडेंट्स इसको याद करना चाहें तो कह सकती हैं आई एम लेडी श्री राम। अब आए आइलैंड कंट्रीज। मेडिटेरेनियन सी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, MC। तो MC इज द ट्रिक ऑफ आइलैंड कंट्रीज, एंड दिस आल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। MC मींस माल्टा एंड साइप्रस, इनको मैं बाद में लोकेट करूँगा, पहले मैं ये बता देता हूँ। फिर रिवर ट्रिक 10, इफ यू डिवाइड 21 by 2 व्हाट वी गेट, 10 point something, सो 10 इज द कोड ऑफ रिवर्स। टाइबर एब्रो स्पेन से आती है, नाइल इजिप्ट से आती है, एंड एब्रो इज द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड डेट मेक्स कस्पेट डेल्टा, सो दीज आर द मेजर रिवर्स। उसके बाद आ जाते हैं आइलैंड्स। B and C टू स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जाम, सो आइलैंड की ट्रिक है वेस्ट टू ईस्ट, B and C SSC की प्रिपरेशन कर रहे थे, ओके बी से बेलारिक, सी से कोर्सिका, एस से सार्डिनिया, सेकेंड एस से सिसिली, सार्डिनिया पहले आएगा क्योंकि हम वेस्ट से चल रहे हैं ट्रिक, तो
एस ए है इसमें सेकेंड लेटर, इसमें आई है तो सार्डिनिया ऑब्वियसली पहले आ गया। देन सी क्रीट, ये क्रीट यहाँ बाद में आया, ये सी पहले आया क्योंकि यहाँ सेकेंड लेटर ओ है, यहाँ सेकेंड लेटर आर है। सो सारा प्रोग्राम अल्फाबेटिकली चल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है। ओके अब बी और सी दो स्टूडेंट थे, एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, ये तो आइलैंड का आपने कर लिया। अब रहेगी आइलैंड कंट्रीज, तो ये जो आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला है, एक इसके पहले चिपकाना है, एक इसके बाद में चिपकाना है। तो एक यहाँ चिपका दिया और एक इधर चिपका दिया, तो ये होगी आइलैंड कंट्रीज, माल्टा एंड साइप्रस, इनको लास्ट में लगाना है। तो अब हमने इनके आइलैंड्स भी कर दिए और अब हम डिस्कस करते हैं एड्रियाटिक सी को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ए से लेके आई तक एड्रियाटिक सी है। इसके लिए क्या करना है, हमें दो कंट्री इधर से दो इधर से उड़ाने हैं। फ्रांस के साथ मोनेको अपने आप गया क्योंकि तीनों साइंस इससे सराउंडेड है, तो ये पांच कंट्री गई, ए से आई तक एड्रियाटिक सी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जैसे मोंटेनिग्रो वेटेस्ट प्लेस ऑफ यूरोप, ठीक है, और इसको अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है अपने को कि इटली की कोस्ट लाइन इस पर सबसे लंबी है, जबकि ऐसा है नहीं। क्रोएशिया की कोस्ट लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन क्रोएशिया की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है और सबसे ज़्यादा आइलैंड्स भी क्रोएशिया के हैं। ये इसलिए है क्योंकि क्रोएशिया का कोस्ट डालमेशियन कोस्ट का एग्जाम्पल है, यहाँ माउंटेन्स पैरेलल है कोस्ट के, जैसे रिया में परपेंडिकुलर होते हैं, फ्योर्ड्स में परपेंडिकुलर होते हैं माउंटेन, यहाँ माउंटेन्स पैरेलल है, इसकी वजह से कोस्ट लाइन ऐसे ऐसे करके करते करते काफ़ी लंबी हो जाती है इसकी। सेकंड एक और फीचर है यहाँ वर्ल्ड कास्ट लैंडफॉर्म, आपने नाम सुना होगा, वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है लाइमस्टोन के कारण यहाँ के, ठीक है। अब थर्ड थिंग, इसके ए डी पहले दो लेटर क्या है, ए डी, सो ए से एपेनाइंस और डी से डिनेरिक एल्प्स, तो एड्रियाटिक सी कौन से माउंटेन्स के बीच में है, एपेनाइंस एंड डिनेरिक एल्प्स के बीच में है। और अब हम स्ट्रेट्स और सीज को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर सात आठ स्ट्रेट हैं, आठ नौ सीज हैं और इसमें क्या है, सारा प्रोग्राम अल्फाबेटिकली जचा हुआ है। आपको ज़रूरत है बस इसे ढूंढने की, थोड़ा ट्रिक से है। और ये स्टेट्स के जो नाम आप देख रहे हो, आपको लग रहा होगा ये बड़े टफ हैं, याद होंगे, ये सबसे इजी पोर्शन है, सी का सबसे इजी पोर्शन ये है। अब इसकी डीप स्टडी के लिए हमें डीप बात लेना होगा, इधर से हमने कंट्री लोकेट किया, फिर ये कर दिया, इसको कर दिया बंद, अब घुसेंगे कहाँ से, इधर से तो घुसेंगे। सो गो फॉर ए डीप बात फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो अल्फाबेटिकली इधर आएगा वो पहले आता जाएगा, ये ध्यान रखना इसमें स्टेट्स में, और जो भी नियरेस्ट लेटर होगा उसके साथ वो स्टेट अटैच हो जाएगा। अब गो फॉर डी बात, ये तो मेजर स्टेट की ट्रिक है, जिब्राल्टर, जी फॉर जिब्राल्टर, एंड इट इज़ बिटवीन एटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी, पहला स्टेट है यहाँ से घुसते ही, और पर्टिकुलर सी आ जाए तो यहाँ एल्बोरान सी है, ये लोकेट की भी एल्बोरान सी, ए एंड ए एटलांटिक ओशन एंड एल्बोरान सी। फिर डी आपको केवल ये याद रखना है, बाकी सारे मैं करवा दूँगा। डी स्टैंड्स फॉर डार्डेनल्स, डार्डेनल्स यहाँ है सी ऑफ मारमारा और एजियन सी के बीच में, तो ए के और एम के बीच में डी है, तो ए डी एम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उसके बाद आ गया आपके डी बात, बी फॉर ब्लैक सी, बी फॉर बोस्पोरस, और याद रखना ब्लैक सी के साथ बी वाला स्टेट अटैच है, सो बोस्पोरस। अब आप कहोगे बोनिफेशियो क्यों नहीं है, बोस्पोरस ही क्यों है, तो मैंने कहा अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा वो इधर रहेगा, बाकी दूसरा उधर जाएगा, तो इसका थर्ड लेटर एन है, इसका एस है, तो बोस्पोरस ब्लैक सी की साइड गया। अब आ जाइए माइनर स्टेट, सबसे पहले अपन इसका नंबर लेते हैं बोनिफेशियो का, बी के नियरेस्ट लेटर कौन सा है, बोनिफेशियो किसके साथ अटैच होगा, सी कोर्सिका और ये सार्डिनिया था सेकेंड, तो ये कोर्सिका और सार्डिनिया के बीच में आ गया आपका बोनिफेशियो, बोस्पोरस अपना हो गया। अब आ जाइए अपना, इसको अपन बाद में करेंगे, मेसिना, मेसिना के नियरेस्ट लेटर कौन सा है, एक स्टेट यहाँ है, एक स्टेट यहाँ है, एक स्टेट यहाँ है, तीन जगह बची है उसे, ये इटली है, ये सिसली है, इटली के नज़दीक कौन सा लेटर है, मेसिना, तो मेसिना स्टेट यहाँ जाएगा। अब ये सिसली स्टेट है, यहाँ ट्यूनीशिया है और ये सिसली है, तो ट्यूनीशिया के नियरेस्ट कौन सा स्टेट आएगा, टी के नियरेस्ट कौन सा लेटर आएगा, ऐसा आएगा, तो सिसली स्टेट सिसली और ट्यूनीशिया के बीच में हो गया, और मेसिना हो गया इटली के पास, आई के पास एम आ गया। अब रह गया आपका ओट्रेंटो, ओट्रेंटो को मैंने इसलिए छोड़ दिया, ओट्रेंटो को यहाँ क्यों नहीं लगाया मैंने आई के पास, इसकी एक वजह है, ये एड्रियाटिक सी और आयनियन सी के बीच में आता है ओट्रेंटो स्टेट, और इसकी वजह यह है
कि यहाँ जो कंट्री है अल्बेनिया, यहाँ कंट्री है इटली, ये भी ए से चालू है, ये भी ये आई से चालू है। तो बिटवीन ए एंड आई कंट्रीज की बात करें तो, और सी की भी बात करें तो एड्रियाटिक और आयनियन, यानी ए और आई के, और ए और आई दोनों क्या है, वोवल्स। ओ भी क्या है, वोवल्स। तो ए और आई के बीच में क्या आएगा, वोवल। आई के बाद कौन सा वोवल है, ओ। तो ओट्रेंटो स्टेट आ गया, एड्रियाटिक सी और आयनियन सी, और कंट्री करें तो अल्बेनिया और इटली। सो ये है आपकी स्टेट की ट्रिक, जो सबसे इजी पोर्शन था। अब आ जाइए आप सीज की ट्रिक, इसमें 8-10 सीज भी हैं, ये और भी इजी है। इसकी ट्रिक है ए बी को लिटा आई ए सी में, एल्बोरन बेलरिक, ये लिगुरियन इटली यहाँ खत्म होती है, देन लिटा टी ए टाइरिनियन, ये एड्रियाटिक, ठीक है, आई आयनियन, ये एजियन, ए सी क्रीट ए सी में, सी ऑफ मारमारा। सो ए बी को लिटाई ए सी में, तो ये सारी होगी एल्बोरन बेलरिक लिगुरियन टाइरिनियन एड्रियाटिक आयनियन एजियन क्रीट और सी ऑफ मारमारा। तो आपको सिर्फ इनको याद करना है लेटर्स को, आपको नाम भी याद नहीं करने हैं। तो सीज की ट्रिक यहाँ सोल्व होगी।